Kusum. कर कहाँ हो तुम? हैप्पी बर्थडे कुमार। थैंक यू, लेकिन इतनी रात गए तुम केक कहाँ से लेकर आए? वो मैं हॉलिडे होम के कॉफी शॉप से पेस्ट्रीज ले आया था, तो मैंने एनीवेज कम। लो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर कुमुद। अच्छा तो ये बात है। ये लो। अच्छा इतना इतना ना। अच्छा कितना सारा लगाते, मैं अभी ना कर निकली थी, अब फिर से नहाना पड़ेगा। अच्छा ये लो, मैं पहुंचता हूँ। कुमुद तुम अपनी दादी के घर? हाँ घर, दादी मैंने स्वर्ण मंदिर में मेरे लिए मन्नत मांगी है, तो उनके साथ जाना होगा। गुड नाइट। गुड नाइट। स्टूपिड गर्ल, बर्थडे था और मुझे बताया भी नहीं। इतना अच्छा जन्मदिन मनाऊंगी ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। अगर पहले बताया होता तो मैं तुम्हें एक प्यारा सा गिफ्ट देता। तुमने पेस्ट्रीज जोड़कर मेरे लिए केक बनाया, ये मेरे लिए आज तक का सबसे अच्छा तोहफा है गर्ल। शादी के बाद ही तुम्हारा पहला बर्थडे था और पता नहीं तुमने क्या क्या सोच रखा था। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। अब तक का ये मेरा सबसे यादगार बर्थडे है घर, जो मैंने अपने पति और बेस्ट फ्रेंड के साथ मनाया। पर हाँ, इस बात के लिए मैं खुश हूं कि मेरी बेस्ट फ्रेंड ही मेरी वाइफ है। हैप्पी बर्थडे कुमुद, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू गर्ल, थैंक्स अ लॉट।
मॉम ये सब? बेटा हम लोग घर जा रहे हैं, अब वैसे भी कुमुद यहाँ नहीं है तो हम चलते हैं। मॉम आपकी बेटी नहीं है तो क्या हुआ, आपका बेटा तो है। हाँ लेकिन मॉम अब कहीं नहीं जाएंगी, वैसे भी आई घर पे नहीं है तो आप वहां पर क्या करेंगी? जब वो लौट आए तब आप चली जाना। ओके बेटा कितने दिनों से हम घर पर नहीं थे, जाके सब कुछ ठीक भी करना है। मैं भी यहाँ पर अकेला हूँ तो मेरे खातिर ठीक है बेटा, जैसे तुम कहो। कली बैग्स रख दो और कॉलेज के लिए तैयार हो जाओ, चलो। नहीं मॉम आज मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी, मुझे बुखार सा लग रहा है। अच्छा अरे हाँ एक काम करो, आज तुम घर पर ही आराम करो, मुझे एक ऑफिस में इंटरव्यू देने जाना है, मैं बस अभी आती हूँ। ओके मॉम डोंट वरी आई बी ऑल राइट। ओके अच्छा बेटा बंसी ये बैग मेरे रूम में रख दो। पता नहीं क्यों आज कुमुद नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। तब साहब जो आपने फोटो फ्रेम बनाने के लिए दी थी वो आ गई है सर। ओके सर जी यस यस ओके। आई एम सॉरी मिसेस कुसुम, हम आपको नौकरी नहीं दे सकते। लेकिन अभी अभी तो आपने कहा कि ये जॉब के लिए मैं परफेक्ट। देखिए मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, हमारे चेयरमैन ने किसी और को इस नौकरी पर रख लिया है और अभी अभी उन्हीं का फोन था। आई एम सॉरी। थैंक यू। मिल गई नौकरी? कब से ज्वाइन कर रही हो? तुमने तो कहा था कि तुम्हें कहीं भी नौकरी मिल सकती है। फिर क्या हुआ? मैं बताती हूँ, यहाँ का चेयरमैन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैंने ही मना किया उसे तुम्हें नौकरी देने से। ये अलग बात है अगर तुम मुझे रिक्वेस्ट करो या रिक्वेस्ट। और तुमसे कभी नहीं ईशा। आई नो रिक्वेस्ट करने के लिए तो झुकना पड़ता है और थोड़ा बहुत प्लीज प्लीज भी करना पड़ता है जो तुमसे होगा नहीं। कोई बात नहीं सहो तकलीफ। और पता है क्या, मैंने तुम्हारे लिए ना चुन चुन कर तकलीफें इकट्ठा की है। मुझे तकलीफों से मत डराओ ईशा, अब तक जिंदगी में इतनी तकलीफें देखी है कि उनसे दोस्ती हो गई है। आज एक नौकरी नहीं मिली तो क्या हुआ, ये दुनिया की आखिरी नौकरी तो नहीं थी ना। ऐसी छोटी मोटी तकलीफों से मैं डरने वाली नहीं हूं। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। नाम तुम्हारा कुसुम है लेकिन फूल की तरह टूट कर बिखर नहीं जाती हो, हर बार हर वक्त एक नए बुलंद इरादे के साथ फिर से खड़ी हो जाती है। दैट्स इट। वैसे एक बात बताओ, मैंने भी पहाड़ों को टूटते हुए देखा है। गुस्सा मत हो, गुस्सा होने में अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, अभी तो तुम्हें नौकरी ढूंढनी है और नौकरी ढूंढने के लिए इतने सारे ऑफिसेज के चक्कर मारने पड़ते हैं, काम आएगी एनर्जी। और क्या कहा था तुमने कि गर्व को मेरी असलियत बताओगी,
उसके सामने मुझे नीचा दिखाओगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि उससे पहले मैं तुम्हें और तुम्हारी उस बेटी कुमुद को घर की जिंदगी से आउट कर दूंगी। मैं घर की बड़ी मॉम हूं ना। नमस्ते समधन जी। भाई साहब आपको क्या लगता है ये डील हमारे लिए इतने में फायदेमंद होगी? आओ आर्यम, हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि डील फायदेमंद होगी कि नहीं। भाई साहब आपकी क्या राय है? क्यों नहीं होगी? अगर अभय ने ये डील की है तो कुछ सोच समझ के की होगी। तुम्हें क्या लगता है आर्यम? हाँ क्या बात है बेटे, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? अंकल आज मैं एक मीटिंग में गया था, वहां मुझे कुसुम दिखे, वो वहां नौकरी ढूंढ रही थी। What? कुसुम? कुसुम जॉब? अंकल मैं सोच रहा था क्यों ना हम उसे अपने यहां काम करने के लिए कहें। हाँ हाँ क्यों नहीं, कुसुम को हमारे साथ ही काम करना चाहिए और ये सब कुछ उसी का ही तो था। हाँ लेकिन भाई साहब ये सब कुसुम को समझाएगा कौन? हेलो। हेलो गर्व। हाँ बड़ी मैम। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम था। बोलिए। गर्व पूना वाली फॉर्म में कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं, मैं चाहती हूँ कि तुम जल्द ही वहां जाकर प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। जी बड़ी मॉम मैं अभी निकल लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हेलो या लिसन कैंसल माय मीटिंग फॉर टुडे ओके आई एम गोना पुणे बाय। अली बेटा तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? अब ठीक है मॉम, मैंने टैबलेट्स ले ली। ओके लेकिन देखो आज का दिन ना तुम्हारा ही करना। कुसुम। माधुरी बे, अरे आइए आइए, कैसे हो आप? कुसुम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। कैसी प्रॉब्लम? ये ना कोर्ट की नोटिस आई है, हम लोग को ना कल के कल चाली खाली करनी होगी। क्या? लेकिन इसमें तो एक महीने पहले की तारीख लिखी है। वही तो, वो सब ना मणि भाई की चालाकी है, उसने जमीन किसी को बेच दी है। लेकिन वो ऐसे कैसे जमीन बेच सकते हैं? और चलिए हम जाकर उनसे बात करते हैं, और अगर वो नहीं मानेंगे ना तो हम भी कोई अच्छा लॉयर अपॉइंट करेंगे। चलिए मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मामा नहीं कली, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम प्लीज घर पर आराम करो, मैं अभी आती हूँ। ओके चलिए। बस साक्षी यूं ही कुसुम से मिलने आया था। अच्छा सुनो मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। ओके बाय। मुझे गर्व को बताना चाहिए, वो इतना बड़ा लॉयर है, इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर देगा। हेलो। हेलो गर्व है वहां? सर किसी जरूरी काम के लिए पूना गए हैं और अपना मोबाइल यहीं भूल गए हैं।
व्हाट? पूना? पूना में कहाँ? ओके फाइन, थैंक यू। ये क्या है मणि भाई? कोर्ट का नोटिस है और इसमें क्या लिखा है ये आप भी पढ़ सकती हैं। लेकिन आप ऐसे कैसे कर सकते हो? हम अचानक चौल खाली करके कहाँ जाएंगे और ये नोटिस हमें आज मिल रहा है? अब इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है ना। लेकिन आप अचानक जमीन कैसे बेच सकते हो? अरे वाह, मेरी जमीन और मैं नहीं बेच सकता, कमाल है। देखिए, आप लोग के किराए से मेरा कुछ काम नहीं चलता, मुझे पैसों की जरूरत थी इसलिए मैंने जमीन बेच दी। ठीक है, तो आपको हमें रहने के लिए दूसरी जगह देनी होगी और हर्जाना भी देना होगा। वो मैं नहीं जानता, जिन्होंने जमीन खरीदी है वो वहां पर है, आप उन्हीं से पूछ लीजिए। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। Excuse me. तुम? हाँ, मैं। तुमसे कहा था ना मैंने कि मैंने तुम्हारे लिए तकलीफें चुन चुन कर रखी, बहुत मेहनत की। कैसा लग रहा है? ईशा, तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, इन चौल वालों को क्यों बेघर कर रही हो? तुमने वो कहावत नहीं सुनी कि गेहूं के साथ घुन को पिसना पड़ता है? तुम्हारी वजह से उन लोगों की जिंदगी खराब होगी, मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? तुम क्यों परेशान हो रही? तुम्हारे लिए तो अच्छा है ना, पूछो कैसे। अब तुम्हें एक अच्छा आलीशान बंगला मिलेगा रहने के लिए उस घटिया से चौल की जगह पर, या तो गर्व का या फिर अभय का। और वैसे कुसुम, अभय के होते हुए तुम क्यों परेशान हो रही हो? अब गुस्सा मत होना, ओके? गुस्सा मत होना, जब वक्त खराब होता है ना तो समझदारी से काम लेना चाहिए, गुस्से से नहीं, सब खराब हो सकता है। और वैसे तो तुम कुसुम हो यार, तुम कुसुम हो, तुम तो कुछ भी कर सकती हो। कल सुबह तक का वक्त है तुम्हारे पास, जाओ। ऑल द बेस्ट, जाओ जाओ। हेलो जी, ओके सर, आपको हेलो गर्व जी। बड़ी मॉम बताइए, प्रॉब्लम सॉल्व हुई? हाँ बड़ी मॉम, मैंने पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है और बस अभी कुछ पेपर्स चेक करने और कोई फाइल चेक करनी है, एंड आई थिंक आई विल बी बैक होम सून। आई एम श्योर तुम गए हो तो पूरा काम करके ही आओगे, लेकिन गर्व अगर रात को रुकना पड़े तो प्लीज हिचके जाना मत। आई वॉन्ट दिस प्रॉब्लम टू बी सॉल्व वंस एंड फॉर ऑल। ठीक है बड़ी मॉम, थैंक यू, बाय। अब जब तक घर वापस आएगा तब तक तो सब कुछ खत्म हो चुका होगा, फिर तुम अपने घर को कैसे बचाओगी कुसुम?